हकों वास्ते लड़ रहे मेरे अंदोलन जीवी भैनों ते भरावो, आप सारा नूं मेरे वालों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये जिहड़ा शब्द मैं वरत्या अंदोलन जीवी, ये शब्द अज तो तीन चार एक दिन पहला मोदी ने लोग सभा दे विच भाषण करते हुए किसानां दा साढ़े इस अंदोलन का मजाक उड़ाउंदिआं ये गल कही सी कि एक किसान अंदोलन जीवी आ। अंदोलन जीवी का मतलब भी इन्हां दी आदत आ भी इन्हां ने अंदोलन करना, भी इन्हां दी आदत आ भी इन्हां ने सरकार दे विरुद्ध कुछ ना कुछ करना। यह एक ढंग दे नाल साडा किसानां दा साडे किसान संघर्ष का मखौल उड़ाया गया उस बेवकूफ प्रधानमंत्री वालों, जिहनूं सवेर वेले वह बच्चा जिहड़ा तोतली आवाज विच बोल सकदा उस तो लैके रात तक जिहनूं लोकी गाला कढ़दे आ, ये उहदे वालों ये अंदोलन जीवी शब्द वरत्या गया। असीं दस देना चाहुंदे आ इस मोदी सरकार नूं, इन्हां दे सरमाएदारां नूं, इन्हां दे कारपोरेटां यारां नूं जिन्हां दी ये रखेल बनी हुई है भाजपा सरकार, कि असीं उस महान योधां दी वारस हां, असीं उस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की औलाद हां जिहदे 7 साल ते 9 साल दे बच्चियां ने इस्लाम कबूल नहीं सी कीता, जबर कबूल नहीं सी कीता, पर अपने आप नूं अंदोलन जीवी मन के उन्होंने अपने सिर जिहड़े आ उह कतल करवा ले सी। असीं उस जुझार सिंह दे वारस हां जिहने अपने वड्डे भरा नूं चमकौर दी गली विच शहीद हुंदा देख के आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बेनती की सी कि दूजे सिंघां तो पहला हुण मैनू जग दे मैदान विच जाण दी इजाजत दिओ, असीं उहनां दे वारस हां। असीं उस करतार सिंह सराबे दे वारस हां जिहड़ा हिंदुस्तान दे विचों पहला नौजवान सी जो विदेशां विच पायलट दी ट्रेनिंग करन वास्ते गया, पर 19 साल की उम्र दे विच देश आजाद कराने फांसी के रस्से ते चढ़ गया। असीं उस अंदोलन जीवी करतार सिंह सराबे दे वारस हां। असीं उस शहीदे आजम सरदार भगत सिंह दे वारस हां जिन्हें अपनी मौत तो पहला किताब पढ़ते पढ़ते पन्ना मोड़ के रखता सी कि मेरी मौत तो बाद भी आजादी की लड़ाई वास्ते कोई होर योधा आएगा और आजादी की लड़ाई कोई किताब पढ़ेगा। असी उन्हां देश भगतां दे, असी उन्हां बबर अकालियां दे, गदर पार्टी वाले महान योधियां दे जिन्हां ने अपनी देश की अपनी अणख की खातर देश लई जाना कुरबान कीतियां, अपने हक्कां लई लड़ाइयां लड़ते रहे हाँ, असी उन्हां दे वारस हाँ। असी अंदोलन जीवी हाँ, जदों तक साढ़े उत्ते जुल्म हुंदा रहेगा असी अंदोलन करते रहेंगे, जदों तक साढ़े ते जुल्म हुंदा रहा असीं अंदोलन करते रहे हाँ ते असीं अंदोलन करते रहेंगे, चाहे सानू कोई अंदोलन जीवी कह लवे ते चाहे कोई सानू कुछ होर कह लवे। जदों तक ये सरकारां रहणगियां, जदों तक ये सरमाएदारी सिस्टम रहेगा, जदों तक ये साम्राज्य सिस्टम रहेगा, उदों मेरे किसान भरावो तुहानू अपने हक्कां दे वास्ते लड़ना पैना, लड़ना पैंदा रहा ते आउण वाले समें दे विच वी आपां नूं अपने हक्कां दे वास्ते लड़ना वह पैना, उहदे वास्ते आपां नूं जथेबंद होना जिहड़ा वह जरूरी आ, आपां नूं अपना एकता जिहड़ी वह कायम रखनी जरूरी आ, होश दे नाल जोश ते होश दोहां नूं आपां नूं इकट्ठा करके अपनी जंग जितनी पैनी है मेरे भरावो। जिस तरह आपां हुण पंजाब दे विचों चल के ये अंदोलन नूं हिंदुस्तान दे कोने कोने तक पहुंचाया, इस तरीके दे नाल ही अज आपां नूं ये गल इत्थों समझ के जानी चाहीदी आ, आपां इत्थों जित के तां जाणा
पर उस तो मगरों साडा अंदोलन खत्म नहीं हो जाना, साडी लड़ाई खत्म नहीं हो जानी, क्योंकि साडी लड़ाई उदों तक जारी रहूगी। साडी यह जंग उदों तक जारी रहूगी जदों मनुख दी मनुख हथों जदों तक लुट हुंदी रहूगी। अज तुहाडे विचों बहुत सारे किसान भरा, किसी ने कांग्रेस नूं वोटां पाईआं हो सकदियां, किसी ने अकाली दल बादल नूं वोटां पाईआं हो सकदियां, किसी ने झाड़ू नूं वोटां पाईआं हो सकदियां, पर वोटां पाउण दे नाल कोई कांग्रेस या अकाली जां आम आदमी पार्टी वाला नहीं हो जांदा। अज तुसीं इत्थे बैठे हो ते कोई कांग्रसी नहीं बैठा, कोई अकाली नहीं बैठा, कोई कामरेड नहीं बैठा। तुसीं इत्थे बैठे हो ते अपने ओ सियासी पार्टियां दे चोले ला के एक किसानां दे तौर ते बैठे हो। मेरे भरावो, तुहाडे विच अज कोई भी किसी सियासी पार्टी का बंदा नहीं है, कोई सियासी पार्टी की गल करने वाला नहीं बैठा। और एक गल मेरी नोट कर लियो मेरे भरावो, जिन्नी देर तक असी अपने गलों ये सियासी चोले नहीं लाते उदों तक सानू संघर्ष जिहड़े करने पैंदे रहणगे। अज एक गल याद रखियो, ये बड़ी बड़ी तरह के लोग जिहड़े जिन्हां नू अपने चेयरमैनियां दे नाल, जिन्हां नू अपने MLA दे नाल, जिन्हां नू कुर्सियां दे नाल मोहिया ना, वह बड़े सीधे और सीधे ढंग दे नाल तुहाडे विच घुसण दी, तुहाडे विच घुसपैठ करन दी कोशिश करनगे, कर रहे आ, आने वाले समय दे विच भी हो सकती आ। पर मेरे किसान वीरो याद रखियो, तुसी अपनियां जमीनां वास्ते जंग लड़ रहे हो, तुसी अपनी जमीर वास्ते जंग लड़ रहे हो, तुसी अपनी होंद वास्ते जंग लड़ रहे हो, पर चेते रखियो वो लोग अपनियां कुर्सियां वास्ते लड़ाई लड़नगे, वो लोग अपनियां कुर्सियां वास्ते तुहानू बहकाउणगे, पर उहनां दे किसे दे बहकावे विच नहीं आउणा। असी अपने किसानां दे 3 काले कानून ते 2 जिहड़े लैके आ रहे बिजली बिल 2020 दे पराली वाला, जदों तक साढ़े 3 कानून रद्द नहीं होंदे, जदों तक आपां इह सरकार नूं झुका नहीं लैंदे, उदों तक असी अपना एका अपनी यूनिटी जिहड़ी आ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸੀ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਊ। 2-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਮਾਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਉਹ ਮਾਨਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਕੁੱਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ 2 ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੀਵਾ
जय किसान अंदोलन वालों स्टेज चलाउणगे। हुण साडा जे स्टेज चलाउंदिआं कोई गलती हो गई होवे तां असीं सारिआं तों तुहाडे तों माफ़ी चाहुंदा। किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करा के रहांगे। बोले सोनिहाल, आओ जी प्रांत। छे महीने च मेरा नाम भी नहीं चलने वाला। आज आज पवन सिंह, ठीक है ठीक। बहुत ही सत्कारयोग मेरे जुझारू किसान साथियों, मेरिया मातावां, मेरिया भैणां, बच्चियां स्टेज ते विराजमान, सारी ही लीडरशिप दे आगू साहिबान, 81वां दिन हो गया आपां नूं इस सिंघू बार्डर ते आया नूं। उस तों पिछे 2 महीने आपां अपने जिथे जिथे अपने स्थान सी उत्थे लड़के आए हाँ। पर बड़ा दुख होया कल अज का पेपर पढ़ के, तोमर कहिंदा कहिंदा मैनू तां किसानां ने हले कुछ इह दस्सिया ही नहीं भी खराब की है। 11 गेड़ की गल हो ली, 11 की किन्ना झूठ बोलण दे लक बन्निआ। सारे छोटे तो लै गए बड़े, जिहड़े छोटे बच्चे है वह साडे तो भी चैंट है, मोबाइल राही जां होर टीवी माध्यम राही सारा कुछ देख रहे हैं। जिमें जिमें गल होई है, जिमें जिमें गल होई है, कल्ले कल्ले पॉइंट ते समझाया, असी भी देखिया, होर लोगों ने भी देखिया, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखिया, बाहरले लोगों ने भी देखिया। पर बेईमान कहिंदा हले किसानां ने इस कोई गलती ही नहीं दसी। देखो किन्नी गिर जाने वाली गल है। हुण बाई ने एक ने जीवी वाली गल की, कहिंदे अंदोलनकारी जीवी है, बैठे साढ़े साथी सारे नूं पता जीवी का मतलब की होंदा, भी इन्हां दा अंदोलन तो बिना इन्हां दा जी नहीं लगता। असी पागल हाँ, कोई साडा घर बार नहीं हैगा, 5-6 महीना हो गया घर छड्डिआं नूं, सामे सामे बंदे हाँ। वह बेईमानो इहो जिहे तुमता ना लाओ, इहो जिहियां गंदियां हरकतां ना करो, साडा कोई दिमाग नहीं फिरिया होया। बेनती है कल कनवर गरेवाल जी जिहड़ी झंझोड़ के गए हैं, मैं तो उरे अपने साथियों को बैठा सी, बैठे मेरे साथी हरबंस सिंह जी घनौर वाले बैठे हैं, जिहड़े मैं धन्नवाद हाँ इन्हां साथियों का, जिहड़े जितन तो आए हैं पंडाल की ड्यूटी निभा रहे हैं, ना कि ट्रालिया च, ना कि अगे पिछे सैर सपाटे की। यह भी एक मर्यादा का विषय है, घरों काम छड्ड के आए हैं। दोस्तों बहुत आसा ने अपने ते, बहुत आसा ने, आसा भी ने और निराशा वाले लोग भी ने। वो भी लोग ने भी कादे कुट के पिछे आउण, वो भी लोग ने अपने भरा ने, वो देख रहे ने भी कादिना दा आपस गुच्छ मिचे। जिहड़ी मैं कनवर गरेवाल की गल करदा, उहनू बड़े ध्यान नाल आपां ने भी सुनना, वो लीडरशिप दे भी कन्न खोल के गए हैं, मैं सारा कुछ सुनता रहा। दो एके नाल एकता दे नाल सारा कुछ होंदा, जे आपां एक दूसरे की विरोधता करी जाइए, एक दूसरे का नुक्स कढ़ी जाइए, उस कुछ नहीं मिलना। सो मैं तो हुण हाँ ये कहिंदा रहा, परसों चौथे प्रधानमंत्री भी बोलिया MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। देखो किन्नी झूठ बोल रहा, असी कहिंदे असी अंदोलनकारी हाँ, अंदोलनकारी सी, अंदोलनकारी हाँ और अंदोलनकारी रहांगे। जिन्ना चिर ये कानून रद्द नहीं होंदे, ये गल हुण मैं पहला भी दस्या भी ज्यों ज्यों भिजे कंबली त्यों त्यों भारी होए। ये हुण कंबली भिज गई, वो टाइम सी पिछे, असी तां सिंभू बार्डर ते बैठे सी रेलवे स्टेशन ते, साडे उस टाइम तो मेरे ख्याल दो पता नहीं 3 मीटिंगां होईआं साडी पंजाब दी 32 किसान जथेबंदियां दी सेंटर गौरमेंट नाल, इन्नियां कोहियां होणियां। वो टाइम सी इन्हां नूं कुछ सुधार सुधूर करके होण दा, हुण तां असी उस बंध गए, माला च बंध गए, असी अपने हरियाणे वाले साथियों नूं जवान दे बैठे, असी राजस्थान वाले जवान दे बैठे, असी UP वाले, असी वो नहीं है। मेरे एक गल याद आ गई, बैठे साढ़े घनौर वाले साथी, साडा घनौर तो पटियाला 20-25 किलोमीटर का एरिया, टाइम तो बहुता नहीं लाता मैं, पुरानी गल है 50 साल पुरानी, गड्ढे ते मिर्चा लैके जा रहे, और गड्ढे अगे ना थेड़ी का एरिया से, बड़े चोरों का एरिया से,
रात नू चोरां ने बल्द कढ लिया गड्ढे चों। वो मुंडा कहिंदा बापू गड्ढे च इक बल्द नहीं है। कहिंदा होर की है? कहिंदा इक बंदा जुड़िया होया। कहिंदा कोड़ा हो के देख इहदे दाढ़ी है? कहिंदा हाँ बापू दाढ़ी दा है। कहिंदा कोई गल नहीं, ये पड़ाव चलाऊगा गड्ढा, ये गड्ढा अपना पड़ाव। वो जिहड़ा चोर सी ना उत्थे शर्मिंदा हो गया, नाले तां गड्ढा पड़ाव चलाया नाले बल्द बन्निया उत्थे। इन्हां नूं शर्म नहीं है, जो मर्जी बकी जाण, जो मर्जी बकवास करी जाण, जो मर्जी सानू झूठे मूठे जो मर्जी करी जाण। सो किसान भराव, सब तो वड्डी मेन गल, सब तो वड्डी मेन गल तां हुण एकता दी और अनुशासन दी। अनुशासन तां आपां पक्के हो गए, अनुशासन वाले दा कहण दी लोड़ नहीं है। अनुशासन तां आपां ना इन्ने पक्के हो गए ना, सर्टिफिकेट दी वी लोड़ नहीं। हुण तां एकता दी लोड़ है, किसे भकावे च नहीं आउणा, किसे दे किसे चोच नहीं आउणा। सो मेरा टाइम थोड़ा हो गया, मैं टाइम भी था ज़्यादा लग गया, सो मैं दो किनारे लवाऊंगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हाँ साथियों का एक याद आ गया, मेरे पिछे छाजली वाले बैठे हैं, साढ़े छाजली का जत्था, एक मिनट जी। वो साढ़े ना उन्होंने याद कराया, मैंने पछाण लिया साढ़े मंडौली हो गोपिया संभाल कुकरा चुंघ जाना बलैती चुंजा वाले, वो साढ़े आए हुए मेरे तो बाद उन्होंने नंबर आ रहा। सो साथी सारा धन्यवाद, धन्यवाद। बल्ले बल्ले के संगियां दे संग सुक गए, बल्ले बल्ले के संगियां दे संग सुक गए, साढ़े एके ने बड़क जदों मारी, शावा शावा के गोदियां दे गप मुक गए, कोई चले ना साजिश सरकारी, बल्ले बल्ले के गोदियां दे गप मुक गए। लंबे संघर्ष दे साथियों जुड़ बैठे जुजारू लोगो, तुहानू सारियां नू गज वज के फतेह बुलाउनी आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बुलारियां नू निमरता सहित पहला ही बेनती कर देवां कि तुहाडा मिथिया होया समा उहदे विच अपनी गलबात रखण